हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि आप किस तरह से वीवो के फ़ोन में टच साउंड इनेबल कर सकते हो। सर, मैं टच साउंड का यूज़ जब पड़ता है जब हम हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर गलती से टच कर देते हैं, लेकिन जब तो हमें पता नहीं चलता कि हमने हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर टच किया है। लेकिन जब आपके मोबाइल के अंदर इस सेटिंग को इनेबल करेंगे तो जब भी आपके मोबाइल की स्क्रीन पर टच करेंगे तो इस तरह का साउंड आएगा। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम भी है, इस वजह से आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी ड्रेन होंगी। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसे इनेबल रखना चाहते हो या डिसेबल। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सब में पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है एंड सो ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे आपको फाइंड करना है साउंड एंड वाइब्रेशन। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सो क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे आपको फाइंड करना है टच साउंड। आपको इसे ऑन कर देना है एंड सो ऑन करने के बाद आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा टच फीडबैक। आपको इसे भी ऑन कर देना है एंड सो ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही हम हमारी स्क्रीन पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का साउंड आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह का साउंड आ रहा है। सो इस तरह से आप अपने वीवो के फोन के अंदर टच साउंड इनेबल कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इसी तरह की वीडियो देखते रहिए। तो चलिए अभी वीडियो को एंड करते हैं।